ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए WWE से जुड़ी कमाल की और मेगा अपडेट्स, ये सुनकर आप लोग हो जाएंगे काफी ज्यादा खुश, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि बिल गोल्डबर्ग आने वाले हैं WWE के अंदर। वो स्मैकडाउन लाइव पे करने वाले हैं अपना रिटर्न, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कैसे स्टेफनी मैकमैन और WWE ऑफिशियल्स की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर, और इस हफ्ते स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्टेफनी मैकमैन से। तो यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो में हमें अपेयर होती हुई दिखा देती है स्टेफनी मैकमैन, जो कि होती है WWE के हेडक्वार्टर से। वो यहाँ पर बात करती है रिसेंटली हुए रॉ के एपिसोड की, जो कारनामे कर रहे थे, जो नाचते आ रहे थे ब्रॉक लेसनर। तो इस बात को लेकर स्टेफनी मैकमैन और जो WWE के ऑफिशियल्स हैं उन्हें काफी बुरा लगा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर मनी इन द बैंक के कॉन्ट्रैक्ट की, WWE चैंपियन कोफी किंगस्टन, यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस सभी की बेइज्जती करी है, और इसके लिए अब उन्हें हर जाना भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो WWE की हम मैकमैन पूरी फैमिली है, जो सारे हम एग्जीक्यूटिव हैं, वो इस चीज को जो है अंडर रिव्यू लेने वाले हैं, और अब एक्शंस लिए जाएंगे अगेंस्ट पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर। अब देखो यहाँ पर वो कुछ भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो WWE के हिसाब से सच में जो ब्रॉक लेसनर ने किया वो थोड़ा सा उन्होंने मजाक सा उड़ा दिया मनी द बैंक के ब्रीफकेस का, लेकिन कोई नहीं, फैंस को तो वो चीज पसंद आई। बट फिर भी यहाँ पर स्टोलाइन को और अच्छा करने के लिए काफी अच्छा आइडिया लग रहा है। देखते हैं स्टेफनी मैकमैन या फिर मैकमैन फैमिली की तरफ से क्या देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग और आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिले, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ अगर कोई उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं तो शायद उनका गुस्सा बढ़ सकता है, और अगर बीस्ट का एक बार गुस्सा बढ़ा तो फिर आप लोग जानते हो कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। वो मैकमैन फैमिली को भी नहीं देखेंगे और वो सबको तबाह कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे सुनकर आप लोग हो जाएंगे काफी ज्यादा खुश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट में मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखने को मिलेगा, वहां पर आने वाले हैं द डेड मैन द अंडरटेकर, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुपर शोडाउन के अंदर उनका मैच है अगेंस्ट बिल गोल्डबर्ग। लेकिन सवाल यह था कि भैया गोल्डबर्ग कहां है, क्या वो नहीं आएंगे, वो सीधा हमें सुपर शोडाउन में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी चीज अनाउंस कर दी WWE ने, और वो ये कि स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में हमें गोल्डबर्ग अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस ये काफी लंबे टाइम के बाद होने वाला है। लास्ट टाइम जब WWE के अंदर गोल्डबर्ग ने अपना कदम रखा था तो वो थी रेसलमेनिया 33 की रात, और उसके बाद से अभी तक वो WWE के अंदर नहीं आए। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो इंतजार है वो काफी लंबा है, लेकिन फाइनली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में हमें गोल्डबर्ग अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और WWE यहाँ पर उनके सेगमेंट को इस तरीके से हाइप कर रही है कि गोल्डबर्ग उस जगह पर आ रहे हैं जहां पर काफी लंबे टाइम तक अंडरटेकर ने किया था राज, क्योंकि स्मैकडाउन लाइव के अंदर अंडरटेकर ने काफी कुछ किया है, बहुत सारे उनकी हिस्ट्री वहां से जुड़ी हुई है। तो WWE यहाँ पर कुछ ऐसे एडवर्टाइज कर रही है, और WWE का यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि अब वो 3 दिन पहले सुपर शोडाउन से आ रहे हैं स्मैकडाउन लाइव पर, तो यहाँ पर उनका टारगेट होने वाले हैं द डेड मैन द अंडरटेकर। तो ये सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रॉ पर आएंगे अंडरटेकर, स्मैकडाउन पर आएंगे गोल्डबर्ग, क्या पता दोनों ही हमें एक साथ देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है WWE की तरफ से, और गोल्डबर्ग आ रहे हैं काफी लंबे टाइम के बाद, क्राउड भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करेगी। तो कुल मिलाकर अगली स्मैकडाउन लाइव ऐसा एपिसोड बन चुका है जिसे अब कोई भी मिस नहीं कर सकता। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है इस हफ्ते की स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप से। आपको ये बता दूं कि लास्ट वीक जो स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप थी वो थी 1.983, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने फायदा हुआ है और 4.5% का यहाँ पर फायदा हुआ, और इस हफ्ते जो स्मैकडाउन लाइव को व्यूअरशिप मिलती है वो थी 2.072, जो कि कह सकते हैं स्मैकडाउन लाइव के लिए काफी अच्छा है। वैसे अगर आप लोग रॉ की रेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि मैंने चैनल पर नहीं बताई है, वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर कुछ दूसरी भी अपडेट्स हैं जिनको मुझे लगता है कि आपको जरूर जान लेना चाहिए। तो रॉ की रेटिंग्स के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ वेबसाइट पर जाकर और पता लगा लो कि रॉ की रेटिंग्स इस हफ्ते कितनी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। कमेंट करके आप लोग मुझे अपने थॉट्स बताना कि गोल्डबर्ग के रिटर्न के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।